फूलों की घाटी। ये सुंदर जगह दुनिया के दुर्लभ जगहों में से एक है। ट्रैकिंग करने वालों के लिए और फूल प्रेमियों के लिए ये एक बेइंतहा खूबसूरत जगह है। बर्फीले पर्वतों से घिरा हुआ और 500 से अधिक फूलों की प्रजातियों से सजा यह क्षेत्र फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। ये उद्यान 88 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक एस स्मिथ को और उनके साथियों को पता चला जब वह 1931 में अपने कॉमेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। स्मिथ सन 1937 में इस घाटी में वापस आए और 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब भी प्रकाशित करवाई। फूलों की घाटी में यात्रा के लिए जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों को सर्वोत्तम माना जाता है। यह घाटी 3,250 से 6,750 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। घाटी का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो यात्रा के लिए अनुकूल है। ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये जगह और भी खूबसूरत होती है जब यहाँ बारिश होती है। इस घाटी में 1800 mm की बारिश होती है। बर्फीले पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया। सितंबर का महीना फूलों के घाटी के लिए खास है। इस महीने में ब्रह्म कमल फूल खिलते हैं। और सबसे जरूरी और अहम सवाल, फूलों की घाटी तक पहुंचा कैसे गया? फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए चमोली जिले का अंतिम बस अड्डा गोविंद घाट तक पहुंचना होगा, जो ऋषिकेश से 275 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी 19 किलोमीटर है। यहां से प्रवेश स्थल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है, जहाँ से पर्यटक 3 किलोमीटर लंबी व आधा किलोमीटर चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की अगली यात्रा फूलों की घाटी का ही होगा। और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें यूनिवर्सल नॉलेज।